क्या आप भी नए लैपटॉप लिए हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पुराने लैपटॉप से जितने डेटा है, यानी फ़ोटो, फोल्डर, फाइल या जो भी आपके पुराने लैपटॉप में जो भी आप रख रखे हैं, वो सारे के सारे नए लैपटॉप में जाए और वो आपको पता नहीं है कि कैसे जाएगा, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपके पुराने लैपटॉप में जो भी डेटा है वो आप नए लैपटॉप में कैसे उसको भेजेंगे। इसके लिए आपको मार्केट में ढेर सारा एप्लीकेशन मिल जाता है, लेकिन वो टफ है। मैं आपको एक ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही ईजिली आप अपने पुराने लैपटॉप के सारे डेटा को आप चुटकियों में नए लैपटॉप में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करते ही भैया आप जो है बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल के बटन को प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो इस बेल के बटन को प्रेस करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आप नए लैपटॉप लिए हैं, अगर आपके पुराने लैपटॉप में जो भी डेटा है उसको आप नए लैपटॉप में कैसे उसको भेजेंगे। यही काम जो है आप दुकान वाले के पास जाइए करवाने के लिए, तो वहां पे जो है आपको 800 से 900 रुपये ले लेगा और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको पुराने लैपटॉप के जितने डेटा आपको जो भी वीडियो ऑडियो फाइल फोल्डर जो भी है उसको नए लैपटॉप में आप कैसे भेजेंगे और आप चाहते हैं कि वो जाए, तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो यही काम जो है आप साइबर कैफे में जाइए या दुकान वाले के पास जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो है 800 से 900 या 1000 रुपया भी ले सकता है और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है नए लैपटॉप में उस फाइल फोल्डर और जो भी आपके पास पुराने लैपटॉप में है वो आप नया लैपटॉप में चलाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि डेटा जो है ट्रांसफ़र हो हमारे नए लैपटॉप में, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे कि किस तरीके से पुराने लैपटॉप से सभी डेटा को नए लैपटॉप में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस वीडियो में आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर बनिएगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे और आपका जो है 1000 रुपया खर्च होने वाला है वो भी आपको बच जाएगा, भाग दौड़ करने की परेशानी से भी बच जाइएगा और आप सीख भी लीजिएगा। अगर आपका जो सिस्टम से कभी भी कोई भी डेटा जो उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है, हट जाता है, तो उसको जो है आप ब्रेकअप करके भी ला सकते हैं। इस पर मैं कई वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो सब आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में स्पेशली यही बताऊँगा कि अगर आप नए लैपटॉप लिए हुए हैं, अगर आपके पुराने लैपटॉप में जो भी डेटा है उसको अपने लैपटॉप में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कोई ब्राउजर में टाइपिंग कर देना है, इरेजर जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर रखा हूँ, देख रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इंटर मारेगा तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो इसमें आपको ढेर सारा फीचर दे रखा है, जैसे देखिए फ्री वाले के लिए आपको विंडो के कौन कौन सा में आप इसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आ जाए, यहाँ देख रहे हैं थ्री प्लान दे रखा है, जो फ्री है, प्रोफेशनल और टेक्निकल है। अब पहले वाला जो था इसमें दो ही प्लान था, जैसे फ्री और प्रोफेशनल। अब जो आया है लेटेस्ट में तो वो आप टेक्निकल भी यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पर फ्री वाले आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र 500 एमबी डाटा ही कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रांसफ़र दो एप्लीकेशन टू अनदर पीसी पे कर सकते हैं, टू एप्लीकेशन बिटवीन लोकल डिस्क पे कर सकते हैं और विंडो 10.8.1.8.7 वर्सा एक्सपी सर्वर 2019 16 12 8 13। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्रोफेशनल वाला में आपको ढेर सारा फीचर दे रखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको एक लाइसेंस मिलेगा जो दो आप पीसी पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर विंडो आपको देख रहे हैं यहाँ पर ढेर सारा सेम ही है, ट्रांसफ़र अनलिमिटेड कर सकते हैं, इसके बाद ट्रांसफ़र अनलिमिटेड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, तो इससे बेटर है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र बिटवीन लोकल डिस्क और यहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर पीसी अनदर पे यहाँ पर, तो इससे आपको ढेर सारा आपको इस पर मिल जाएगा जो आपको $49.95 का है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका ये टेक्निकल है तो आपको प्रोफेशनल से उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं अगर आप इसको परचेज कर रहे हैं। तो
यहाँ टेक्निकल देख रहे हैं, लाइसेंस मल्टीपल है, यहाँ पर दो ही लाइसेंस मिल रहा था, यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा, यहाँ पर दो मिला था, यहाँ पर अनलिमिटेड आपको लाइसेंस मिल रहा है। विंडो उतना ही है जो सिम विंडो है, इस सब पर काम करेगा। ट्रांसफ़र अनलिमिटेड डाटा कर सकते हैं, ट्रांसफ़र अनलिमिटेड एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफ़र मल्टीपल एप्लीकेशन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र यूजर अकाउंट भी यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद यह ट्रांसफ़र डोमेन अकाउंट भी बना सकते हैं, जो इससे बहुत बेटर ये है, और इसमें बहुत सारा इससे ज़्यादा इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ से परचेज करके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो आप क्या करना है, आपको फ्री वाले फ्री वाले पर आपको क्या करना है, इसको क्या इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए ये यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, डाउनलोड हो गया है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब इसके बाद इंस्टॉल करूँगा, चलिए मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ से अब इंस्टॉलिंग होना का प्रोसेस आ जाएगा, और यहाँ बोला है इंस्टॉलिंग, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ गया है, अब देख रहे हैं 3% इंस्टॉलिंग हो भी गया है, तो ये इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं आपको ओपन करके बताता हूँ कि ये कैसा लगता है, और इसका यूज और कैसे करेंगे, और कैसे इसको हम चलाएँगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ गया है इंस्टॉल होने के बाद, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट, पहले इससे पहले आप देख रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन आई हैव कम्प्लीट योर इंस्टॉलिंग, यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांस डाटा माइग्रेशन क्लीन अप और रिकवर बैकअप। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट पर ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देखिएगा इसका फीचर क्या आता है, देखिए वेलकम टू टोडा टेंस पी सी, ये ओपन हो रहा है। तो इसको ओपन हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आगे क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पीसी टू पीसी, आप अपने जितना भी डेटा है तो पीसी टू पीसी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट नंबर जाके यहाँ ब्रेकअप और रीस्टोर पर देख रहे हैं कि यहाँ ब्रेकअप और रीस्टोर से आप कोई फाइल को इस एक ब्रेकअप फाइल बना के अब इस फाइल में से पीसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। माइग्रेशन में ऐप माइग्रेशन में जाके आप अपने कोई भी डेटा जो हो तो उसको डिस्क ए से डिस्क बी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद डाटा रिस्यूज का ऑप्शन दे रखा है, तो डाटा रिस्यूज भी आप कर सकते हैं। सिस्टम क्लीन अप का इसमें नया फीचर है आया हुआ, तो सिस्टम क्लीन अप का दे सकते हैं। प्रोडक्ट की आप यहां पर आप लॉक भी लगा सकते हैं, और लार्ज फाइल क्लीन अप, अगर बड़ा फाइल उसको क्लीन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले पी सी टू पी सी आपको डेटा कन्वर्ट करने के लिए मैं इस वाले ऑप्शन को ओके कर लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है, नीचे आके यहाँ पे स्टार्ट पे ओके कर देना है। जैसे यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ देख रहे हैं कि नेटवर्क और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ क्लोजिंग का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐड टू पीसी, यहाँ से आप पीसी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर्चिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो इसको हम ओपन होने देते हैं, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एड टू पीसी का ऑप्शन आ गया, चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस मांग रहा है, जो यहाँ पे इंटर आईपी एड्रेस है, तो ये वाला आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके बाद यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस है, इसको आप यहाँ पर डाल के इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का नाम डाल के भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले वो क्या करना पड़ेगा, आपको पुराना कंप्यूटर जो है उसको डाटा केबल से आपको इस जो आपको नया सिस्टम है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसको देख आते हैं, इसके बाद यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपको डेटा को कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप हमको सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ ब्रेकअप एंड रीसेट पर जाना है। यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्ट का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए डाटा बैकअप और डाटा रीसेट, पहले डाटा बैकअप करना है हमको, मतलब रिस्टोर करके रखना है, इसके बाद डाटा रीस्टोर दूसरे लैपटॉप में हमको भेजना है। तो हमको पहले डाटा बैकअप करके इसको रीस्टोर कर लेते हैं, वन क्लिक बैकअप इंस्टॉलिंग रिकवरी। आप देख रहे हैं कंप्लीट बैकअप एप्लीकेशन डाटा अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं, और रीस्टोर न्यू सिस्टम पीसी एंड डिस्क कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि अडॉप्ट इनवॉल्व कंप्लीट टेक्निक एंड इनवॉल्व स्पेस है, और यहाँ पर देख रहे हैं बैकअप एंड रीसेट फाइल प्राइवेसी दे रखा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, नेक्स्ट कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रेकअप फाइल का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे जो ऐप फाइल में यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी फाइल का आप बैकअप लेना चाहते हैं तो पहले आप बैकअप ब्राउज़र पर जाइएगा। जैसे चलिए मैं ये एस वाले फाइल में जाता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ब्रेकअप ले लेता हूँ। तो मैं इसको क्या सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर देख रहे हैं मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एस वाला फाइल आ चुका है, इसके बाद क्या करें, कन्फर्म ओके कर दीजिएगा। देख रहे हैं कि ये मेरा
ब्रेक एप्लीकेशन फाइल ही है, इसमें फाइल्स है और इसमें अकाउंट है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना जितना जीबी के, आप जो भी ब्रेकअप लेना चाहते हैं उस पर सिंपली आप ओके करके इसको ब्रेकअप ले सकते हैं। यहाँ से चलिए मैं इस फाइल को अगर ब्रेकअप लेना चाहता हूँ तो आप क्या करना है, एडिट पर ओके कर देना है। जैसे एडिट पर ओके कीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया है और यहाँ एमबी का ऑप्शन भी शो कर रहा है, सेलेक्ट फाइल कितना से होते हैं। यहाँ से मैं थिंक्स कर देता हूँ तो ये मेरा फाइल ये डेटा कन्वर्ट हो गया है, इसका ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद यहाँ से अगर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को करना है तो ये कितने जीबी का है, चलिए अगर इसको करना है तो हमको सिंपली इसको करना है। अगर जिसको हम ब्रेकअप लेना चाहते हैं तो उसको क्या करना, चलिए मैं इसको ब्रेकअप लेना चाहता हूँ तो मैं जिस सबको ब्रेकअप लेना चाहता हूँ तो उसको यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक ठोकर ब्रेकअप लेकर आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो वो सिंपली आपको क्या करना है, चलिए मैं इसको ब्रेकअप लेकर दिखाता हूँ, यहाँ फिनिश कर दीजिएगा, यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा। देखिए सिंपली ये मेरा इतना एमबी का ब्रेकअप हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको न्यू लैपटॉप में कनेक्ट करके इस डाटा को बाय अपने हिसाब से यहाँ डाटा कन्वर्ट पर जाके इसको रिमूव और अपने फाइल में नया लैपटॉप में भेज सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि सेफ सिक्योर बैकअप डाटा, यहाँ देख रहे हैं कि रिस्टोर बैकअप एप्लीकेशन डाटा और अकाउंट सेटिंग है, एवरीथिंग बैकअप डाटा यूजर और सिस्टम रिक्वेस्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर इन्वॉल्व कंप्रेशन टेक्निक, यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैं वहाँ पर सेलेक्ट किया था वो ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो आप ब्राउज़र को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जाके, जो भी ब्राउज़र है तो यहाँ से आप डाटा जो है आप डाटा के बोर्ड कनेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसको ओके कर सकते हैं। जैसे मैं वहाँ पर आपको बताया था कि यस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया था तो उसको मैं बैकअप लिया था, यहाँ पर मैंने इसको डाटा रिस्टोर में जाके यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर यह फाइल शो कर रहा है, यहाँ नो ब्रेकअप फाइल फाउंड। यहाँ पर क्या है कि यहाँ ब्रेकअप फाइल फाउंड इसलिए नहीं बता रहा है कि मैं इसमें अभी लैपटॉप आपको कनेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से आपका वो फाइल ब्रेकअप हो जाएगा। यहाँ नीचे देख रहे हैं कि यहाँ क्रिएट ब्रेकअप फाइल है तो यहाँ पर ओके कर दीजिए। यहाँ पर आप जो भी हम वहाँ से ब्रेकअप फाइल लिए थे और उस लैपटॉप में से आया हुआ था तो वो फाइल जो लैपटॉप जो कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर आके ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सिर्फ सिंपल आपको यहाँ से कन्फर्म पे ओके कर दीजिएगा तो आपका जो डेटा मैं इसमें बैकअप लिया था वो सारा डेटा आपको उस लैपटॉप पर आके सेव हो जाएगा। इसके बाद हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐप माइग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। सिंपली मैं ऐप माइग्रेशन पर आ गए हैं तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ढेर सारा ऐप आ गया है, आपको जिसका बैकअप लेना चाहते हैं यहाँ से उसको बैकअप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैं ये फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ या इसके बाद मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। अब देख रहे हैं कि मेरा यह ट्रांसफ़र हो रहा है और ये ट्रांसफ़र मेरा 5% यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र भी मेरा ये फाइल हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। तो ये फाइल जो ट्रांसफ़र हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आगे प्रोसेस क्या करना है। तो सिंपली देखिए मैं जो ऐप यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था, बैकअप लिया किया था वो देखिए फाइनली ये फिनिश हो चुका है और ये कन्वर्ट हो चुका है। तो कंप्लीट ऑप्शन ओके आके लिखा के आ गया है तो मैं सिंपली यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका थैंक्स फॉर यू क्लोजिंग इज अस टोटा पिकअप, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि मेरा इसमें से ये जो ऐप को मैं ब्रेकअप किया हूँ तो ये यहाँ से हट चुका है, उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो आप दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे लोकल ऐप में आ चुका है, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये मैं यहाँ वहाँ से ब्रेकअप किया हूँ तो ये यहाँ पे आके यहाँ से कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसी तरह आप जो फाइल में यहाँ से आप इसको कन्वर्ट चाहे भेजना चाहे आप बहुत आसानी से वो फाइल यहाँ से चूज करके उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लग रहा है कि आप उसी ड्राइव में आपको भर चुका है ऐप तो बहुत ही आसानी से ई ड्राइव में ऐप ड्राइव में, जैसे मैं यहाँ पर ऐप ड्राइव में भेजा हूँ तो बहुत आसानी से इसको आप ऐप को अपने लैपटॉप में ही किसी भी लोकल डिस्क में आप भेज सकते हैं। जैसे सी ड्राइव में रहता है आपको ई ड्राइव में या ड्राइव में नहीं भेज पाते हैं, बहुत टेंशन हो जाता है कि हम कैसे भेजें, तो यहाँ से आप ब्रेकअप करके बहुत ही आसानी से आप ई ड्राइव में या ड्राइव में अपने फाइल को भेज सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाया हूँ कि इस फाइल में मेरा था, मैं यहाँ से ब्रेकअप करके ड्राइव के मेरा ये फाइल या फाइल में यहाँ पर मैं भेज चुका हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमको ब्राउज़र चूज कर लेना है, जैसे हम कोई जिसमें भेजें, जिसमें चले मैं सिंपली को सी में भेजना है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। तो मैं देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ से फिर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो फिर मेरा देखिए यहाँ 5% ट्रांसफ़र हो चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है और ये मेरा यह फाइल है, फिर से जाके आपको सी ड्राइव में ही हो जाएगा। तो मैं फिर आपको जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ कि यह फाइल वहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे हो गया। बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है जिससे आप बहुत ही अपने फाइल को रिस्टोर से कर सकते हैं, अपने ऐप को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में भेज सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से, और आपका
कोई डाटा वगैरह लॉस नहीं हो सकता, आप बहुत ही फास्ट भेज सकते हैं। अगर परचेज कर ले रहे हैं तो आपको बहुत ही फास्ट, इससे कई गुना फास्ट आपको वर्क करेगा। सिंपली देखिए ये मेरा ये कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ कंप्लीट लिखा का आ रहा है, मैं इसको ओके कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे किया। तो मैं फिर इसको स्टार्ट को ओके कर लेता हूँ, ओके करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे कहाँ पे आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये फाइल मेरा फिर सी ड्राइव में, यहाँ लोकल डिस्क सी में देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा आ चुका है। तो आप इसी तरीके से आप देखिए मेरा ये ऐप में नहीं होगा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर नए ऐप में नहीं है मेरा, फिर ये से सी में आ गया। तो इसी तरह आप कोई भी ऐप को बहुत ही आसानी से इस हेल्प के थ्रू आप फ्री में उसको एक फाइल से दूसरे फाइल में यहाँ से भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डाटा रिसोर्स में जाके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रिसोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर डाटा रिसोर्स हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि अवेलेबल डिस्क नॉट अवेलेबल, जिसे मैं दूसरे लैपटॉप को इसमें कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन ये आ जाएगा और मैं यहाँ से प्रैक्टिकली इसको कंटिन्यू करके प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पे सिस्टम क्लीन, अब इस पर क्लिक कीजिए, जो भी आपको सिस्टम के अंदर जो भी कचरा फचरा होगा वही सब आपको क्लीन हो जाएगा। तो सब आपको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली स्कैन को ओके कर देना है। ओके कीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ पे कितना जल्दी ये स्कैन करते हैं। देखिए आपका फोन इतना MB सेलेक्टेड हुई, इतना MB का आपको तुरंत स्कैन कर दिया और कितना फास्ट स्कैन हुआ देखिए ना गाइस। तो ये बहुत ही फास्ट और अच्छा ऐप है जिससे आप बहुत ही आसानी से देखिए इसका क्लीनिंग कर रहा है और बहुत फास्ट क्लीनिंग ये कर देता है। देखिए तुरंत ये क्लीनिंग कर दिया और ये देखिए ये फिनिश का ऑप्शन भी आ गया, तो कितना फास्ट ये क्लीनिंग किया है आप सोच सकते हैं कि कितना फास्ट क्लीन करता है। बोले यहाँ लार्ज फाइल भी अगर है तो उसका भी यहाँ पे क्लीन कर सकता है, यहाँ पे स्क्रीन वाला ऑप्शन चाहिए, यहाँ ऐसे स्कैन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्लीनिंग हो रहा है और ये बहुत फास्ट काम कर रहा है, यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि कितना फास्ट ये वर्क कर रहा है। अगर आप लैपटॉप में कोई कचरा वगैरह है या कुछ है तो इसको पूरा स्कैन करके हटा देगा, जैसे ये लोकल डिस्क से कवे जो भी ऐप वगैरह है उसको क्लीनिंग कर रहा है, साफ कर रहा है। तो ये बहुत फास्ट काम करता है, देख रहे हैं कितना फास्ट ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे के लोकल डिस्क में 234 GB है जिसको 36 GB तक इसको स्कैनिंग कर दिया, सोच सकते हैं कितना फास्ट में इसको क्लीन कर रहा है, साफ कर रहा है। दिखला रहा है कि मेरा डाटा इसमें कितना यूज हुआ वो यहाँ पे शो कर रहा है, आपका क्लीनिंग का प्रोसेस यहाँ पे आपको शो कर रहा है कितना फास्ट में यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा है। और नीचे यहाँ पे आपका कुछ लोगों भी दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका क्लीनिंग कैसे हो रहा है, आपका लैपटॉप में जो भी है सी ड्राइव में वो कचरा हुआ या कोई वायरस वगैरह उसको यहाँ पे क्लीन कर रहा है, साफ कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस की बहुत ही फास्ट इसको स्कैनिंग, जितना फाइल है उसको बहुत ही फास्ट स्कैनिंग कर दिया है और कितना फास्ट किया है तो आप सोच सकते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं इसको बैकअप करके ओके कर लेता हूँ, बैकअप कर लेता हूँ, यहाँ से यस कर लीजिए। इसके बाद यहाँ है प्रोडक्ट के, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्कैन करके स्कैनिंग पे ओके कर दीजिए, आपको इसको लॉक करना है तो यहाँ पे सो फूल की यहाँ पे आप इसको लॉक लगा सकते हैं और इस विंडो सॉफ्टवेयर भी आप यहाँ पे इसको लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके एक नया लैपटॉप है, पुराना लैपटॉप है, अगर नया लैपटॉप लिए हैं तो पुराना लैपटॉप में आप अपने फाइल को डाटा को बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन को इस ओल्ड लैपटॉप से न्यू लैपटॉप में आप बहुत ही आसानी से इसको कोई फाइल डाटा हो भेज सकते हो, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप नए लैपटॉप लिए हैं, अगर आपके पुराने लैपटॉप में जो भी डाटा है उसको नए लैपटॉप में आप कैसे ट्रांसफ़र करके भेज सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।